इंटरनेट से अर्निंग करना चाह रहे हो लेकिन आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके पास स्किल नहीं है, अरे आपके पास तो ज्यादा क्वालिफिकेशन भी नहीं है, याद आया आपके पास तो लैपटॉप और पीसी भी नहीं है लेकिन मोबाइल फोन तो है ना। जी हाँ, अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताने जा रहा हूँ कि आप अपने मोबाइल फोन से काम करके डेली की अर्निंग कर सकते हो और आपको यहाँ स्किल किसी किस्म का भी नहीं रिक्वायर्ड। तो मीन्स के मैं ये नहीं आपको कहूँगा कि आप लाखों करोड़ों यहाँ से अर्न कर लोगे, आप बिना स्किल यहाँ पर डेली का $5 to $7 आसानी अर्न कर लोगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलाम मुस्तफा, मेरे आप सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट का विजिट करवाने वाला हूं, एक ऐसी वेबसाइट पर काम सिखाने वाला हूं कि आप जिस पर काम करके आसानी डेली का $5 to $7 अर्न कर लोगे। आपने यहाँ किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ना ही आपको कोई स्किल रिक्वायर है, ना ही आपको ज्यादा क्वालिफिकेशन रिक्वायर है। अगर तो आप मैट्रिक पास हो, आप ये काम आसानी परफॉर्म कर सकते हो और डेली की अर्निंग कर सकते हो। मजे की बात, यहाँ से आप डेली का विड्रॉ भी ले सकते हो और वो भी अपने बैंक अकाउंट में। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, देखते हैं ये कौन सी वेबसाइट है, इस पर काम कैसे करना है और इसे हमने अर्निंग कैसे करनी है, एंड पे हमने इसे विड्रॉ कैसे लेना है। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, लाइव करके दिखाऊंगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों की समझ आ जाए और वीडियो के फौरन बाद आप इस काबिल हो जाओ कि चीजों को इंप्लीमेंट करके अर्निंग कर सको। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाला न्यू ट्रिक, नया टॉपिक, नया अर्निंग मेथड सबसे पहले आपको मिल सके। ओके, तो हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गूगल क्रोम ओपन कर लेना है, यहाँ पर लिखना है वेबसाइट का नेम, लिंक और टाइप, ये देखें स्पेलिंग आप नोट कर लें। पहले लिंक पर आपने क्लिक करना है तो ये देखें मेरे पास ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है, publisher.linkvertise.com। ठीक हो गया, अब ये देखें अर्न मनी ऑनलाइन नाउ, ठीक हो गया, शेयर लिंक्स एंड अर्न मनी ऑन एवरी विजिटर हु क्लिक्स ऑन योर लिंक। लिंक आपने बनाने हैं, शेयर करने हैं और उसे हमने अर्निंग करनी है। लिंक कौन से बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, शेयर कैसे करने हैं, कहाँ शेयर करने हैं और कौन लोग आपको क्लिक करेंगे, सारी चीजें आपको बताऊंगा। उससे पहले हम चलते हैं वेबसाइट का विजिट कर लें। ये देखें हाईएस्ट पे आउट रेट्स, अर्न अप टू $70 per 1000 views। अगर आपके लिंक पर 1000 views आते हैं आपको अप टू $70 यहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक हो गया, इजी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक हो गया। डेली पेमेंट, ये देखें डेली पेमेंट आप ले सकते हैं, जैसे ही आपके $10 कंप्लीट होते हैं आप यहाँ से पेमेंट ले सकते हो। उसके बाद ये देखें आप बैंक में डायरेक्ट यहां से ट्रांसफर कर सकते हो। अब काम करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहां पर रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन है, हमें रजिस्टर करना होगा खुद को। ओके, तो मैं रजिस्टर पर यहां से क्लिक करूंगा तो ये इस तरह का इंटरफेस मेरे पास आ जाएगा, रजिस्टर नाउ एंड अर्न मनी। ठीक हो गया, यहां पर आपने क्या करना है, ये देखें आपने सिंपल यहां पर अपना यूजर नेम लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है, पासवर्ड लिखना है, कन्फर्म पासवर्ड पे क्लिक करना है और ये देखें मेरे पास यहां टर्म्स एंड कंडीशन पर आपने क्लिक कर देने हैं। ये देखें यहाँ दोनों पे क्लिक करने हैं और उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करेंगे और एंड पे हम रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देंगे। तो मैं जल्दी से इसे फिलअप कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट कर दी है। अब मैं क्या करूंगा, ये देखिए मैंने टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक कर दिया है, आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये देखिए नीचे रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए मेरे पास सक्सेस का मैसेज आ चुका है और मेरा अकाउंट यहाँ पर ओपन हो चुका है। साथ ही ये क्या करेगा, डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन कर देगा। तो हमें क्या करना है, जल्दी से यहाँ से इंग्लिश हमने सिलेक्ट कर लेनी है, ये जर्मन इसने सिलेक्ट की हुई है लेकिन हमें जर्मन में समझ नहीं आनी, हमने अपनी आसानी के लिए इंग्लिश पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया, उसके बाद ये देखें यहाँ से भी आपने नोट कर लेना है, यहाँ भी अगर इंग्लिश चेंज हो चुकी हो आपने फॉरन से इंग्लिश पे क्लिक कर लेना है। देखिए इंप्रेशन, क्लिक्स, लिंक्स, बैलेंस, सारी चीजें आपको शो हो रही है। अब हमने यहाँ काम क्या करना है, हमने यहाँ पर लिंक क्रिएट करना है। लिंक हमने किस चीज का क्रिएट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम आते हैं यूट्यूब पर, ये देखें मेरे पास यहाँ से डिफरेंट वीडियोस आपको नजर आ रही है। यहाँ पर आप कोई न्यूज चैनल सर्च कर लें, कोई ड्रामा सर्च कर लें, लेकिन हम चलते हैं ट्रेंडिंग में। ये देखें, देखते हैं आजकल ट्रेंड किस चीज का चल रहा है। आपको पता है कि पाकिस्तान में ज्यादातर ट्रेंड या तो ड्रामों का होता है या फिर न्यूज चैनल्स का होता है। तो ये देखें मेरे पास, ये देखें एक ड्रामा है मेरे पास, मोहब्बत गुमशुदा मेरी। ठीक हो गया, इस ड्रामे को ही हम ले लेते हैं, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ये देखें जैसे ही मैंने इसे यहाँ से ओपन किया है तो मैं इसे प्ले नहीं करूंगा, मैंने क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं और ये देखें यहाँ शेयर पे आना है हमने। शेयर पे आने के बाद हमने इसका लिंक जो है वो कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमने क्या करना है, वेबसाइट पर वापस आना है और ये देखें यहाँ से आपको क्रिएट लिंक की ऑप्शन मिल रही है।
एक तो ये ऑप्शन आपके पास आ गया कि आपने यूट्यूब से कोई भी वीडियो ट्रेंडिंग वीडियो उठाई, उसका लिंक लिया, उसे हमने शॉर्टन करना है, अपना लिंक प्रोड्यूस करना है। तो ये देखिए मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट किया उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये देखें मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं तो ये देखें नेक्स्ट पे मैं यहां से क्लिक करूंगा, क्लिक करूंगा तो ये देखें मेरे पास उसने लिंक को शॉर्टनर कर दिया है। एक तो ये मेथड हो गया कि आपने यूट्यूब की कोई भी वीडियो है ट्रेंडिंग में चले गया, उसका लिंक आपने उठा लिया, न्यूज की हो सकती है, ड्रामा की कोई भी हो सकती है, उसका हमने लिंक यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट किया, उसे हम शॉर्टन कर सकते हैं। एक तो यूट्यूब हो गया, सेकंड नंबर पर आप फेसबुक ओपन कर लें तो आपके पास कोई भी ड्रामे का चैनल है, न्यूज चैनल है, आप उसे ओपन कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ बोल न्यूज, ठीक हो गया। तो ये देखें हम नीचे आते हैं, ये फेसबुक पेज मैंने ओपन किया है, यहाँ आपको डिफरेंट पोस्ट मिल रही है, ये देखें क्रिकेट की दुनिया में वर्ल्ड कप की जंग, ठीक हो गया। और इसी तरह हम नीचे चलते हैं, ये देखें बहुत सारी पोस्ट आपको मिल रही है जो कि पेज वालों ने अपलोड की हुई है। हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, मैं आपको सारी पोस्ट ये देखें दिखाता हूँ। ये देखें फॉर एग्जाम्पल सियासी मंजरनामा तब्दील, शेख रशीद ने बड़ा ऐलान कर दिया। तो ये देखें आपको पोस्ट नजर आ रही है लेकिन ऐलान का किया, इसमें थोड़ी सी क्यूरियोसिटी पाई जाती है, आपको तो नहीं पता ना अंदर क्या है, तो लाजमी आपका दिल करेगा कि आप इस लिंक पर क्लिक करें और इसे ओपन करके देखें। तो हमने क्या करना है, हमने इसे ओपन करना है, ये देखें जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा, इसे ओपन करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि इस लिंक में क्या लिखा है, ऐलान क्या हुआ है। तो ये देखें मेरे पास पोस्ट ओपन हो चुकी है और ये सारी डिटेल लिखी हुई है कि शेख रशीद साहब ने क्या ऐलान किया है। तो उसके लिए क्या, ये देखें जैसे इन्होंने यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, आपने भी इस लिंक को शॉर्टन करके ऐसे ही लगाना है, मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ। ये देखें आपने यहाँ से लिंक को कॉपी कर लेना है, मैंने इसे कॉपी किया है, कॉपी करने के बाद मैं वापस आता हूँ वेबसाइट पर, ये देखें यहाँ पर मैं लिंक डाल दूंगा, मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है, पेस्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, ये देखें मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ आपको नेक्स्ट की ऑप्शन मिल रही है, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। अब वो हमें क्या कह रहा है, ये सेकंड मेथड है कि एक तो हमने यूट्यूब से वीडियो उठा सकते हैं, दूसरा फेसबुक से, मैंने फेसबुक से उठा ली है, अब हम क्या करेंगे, वो यहाँ पर टाइटल मांग रहा है कि आप अपने लिंक को टाइटल दें। तो मेरे पास यहाँ क्या टाइटल था, ये देखें सियासी मंजरनामा तब्दील और ये लिखा है शेख रशीद ने बड़ा ऐलान कर दिया। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक टाइटल दे देता हूँ, अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट बाय शेख रशीद, फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिख देता हूँ शेख रशीद, ठीक हो गया, मैंने ये वाला टाइटल इसे दे दिया है, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, हम थोड़ा ये थोड़ा हमें शॉर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम थोड़ा लंबा लिख चुके हैं, तो मैं इसे शॉर्ट कर लेता हूँ, बाय शेख लिख देता हूँ, ठीक हो गया। तो ओके मेरे पास ओके हो चुका है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, लिंक का टाइटल आप दें। अब लिंक का टाइटल हमने क्या देना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें मेरे पास यहाँ पर एक टाइटल है, आप इसे भी कॉपी करके यहाँ पर लगा सकते हो, लेकिन हम अगेन यहाँ पर एक टाइटल लिख देते हैं, आप बिग अनाउंसमेंट, आप बिग अनाउंसमेंट, हम ये भी लिख सकते हैं अ बिग अनाउंसमेंट, ठीक हो गया। हम ये वाला टाइटल भी, हमने टाइटल वो देना है जिसमें थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट हो सके, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर एक टाइटल लिख देंगे, बाय शेख, शेख मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो ये देखें बाय शेख, उसके बाद रशीद, अ बिग चेंज ऑन पॉलिटिकल पॉलिटिकल, आप लिख सकते हैं हाउस लिखते हैं या कुछ भी लिख दें, आपने टाइटल सोच के लिख लेना है यहाँ, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो मैं यहाँ से क्लिक कर दूंगा। अब हमने क्या करना है, नीचे वो कह रहे हैं कि लिंक की डिस्क्रिप्शन लिखें, डिस्क्रिप्शन अब आपने कहाँ से लिखनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम उसी पोस्ट पर वापस आते हैं, तो ये देखें हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखें तफसील लिखी हुई है सारी, ये देखें मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब ये देखें यहाँ पर उर्दू में लिखी हुई है, मैं इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर लूंगा, वो कैसे करनी है उसके लिए मैं चलता हूँ गूगल ट्रांसलेटर पर, तो मैं इसे यहाँ पर पेस्ट करूंगा, ये देखें मैंने पेस्ट किया है और पेस्ट करने के बाद मैं इसे ट्रांसलेट कर लूंगा इंग्लिश में। तो ये देखें मैं इसे यहाँ से इंग्लिश में कर लेता हूँ। अब हमने ये वाली जो ट्रांसलेशन हो चुकी है इसे मैंने यहाँ से कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद मैं वापस आऊंगा और यहाँ पर इसे मैंने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देना है। हमारी डिस्क्रिप्शन भी लिखी जा चुकी है, मैं इसे यहाँ से ओके कर दूंगा। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पर वो कह रहा है कि फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, ये देखें आप यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे आपके पास डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएंगे, आप ये क्वेश्चन भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है, आपने क्या करना है, आपने पोस्ट पे वापस जाना है, ये देखें मैं पोस्ट पर आ चुका हूँ, आपने जो डिटेल है इस पोस्ट की उसे ध्यान से पढ़ना है और आपके माइंड में क्वेश्चन आएंगे कि आपसे देखने वाला व्यूअर ये क्वेश्चन भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, आपने वो क्वेश्चन नोट कर लेने हैं और उनको यहाँ पर आपने मैनुअल भी इंटर कर देना है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। उसके बाद
ये इसे मैं यहाँ पर ओके करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास क्या है, वो कहता है पिक्चर एंड वीडियो, आपने यहाँ से अपलोड करनी है। इमेज ऑफ लिंक्ड, ये ऑप्शन अलग है लेकिन आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है। वो इमेज आपने कहाँ से लेनी है, मैं इधर वापस आता हूँ पोस्ट पर, ये देखें पोस्ट पर आ चुका हूँ। तो ये देखें मेरे पास यहाँ पर एक इमेज लगी हुई है। इमेज सेव करने के लिए आपने क्या करना है, इसी इमेज पर आना है, यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है। तो ये देखें आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगी सेव इमेज एज, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें हम यहाँ से इमेज को सेव कर लेते हैं। ठीक हो गया, इमेज मेरे पास सेव हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, वापस आते हैं तो ये देखें यहाँ से हम अपलोड पे क्लिक कर देंगे। तो हमने वही इमेज जो डाउनलोड की थी मैं उसे यहाँ पर अब अपलोड कर दूंगा। ये देखें मैंने इसे ओपन किया है और ये मेरी इमेज यहाँ से अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखें इमेज मेरे पास अपलोड हो चुकी है। ये देखें आप यहाँ से इसे क्रॉप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है आप अगर करना चाहें। ठीक हो गया, ओके पे क्लिक करते हैं तो ये देखें मेरे पास इमेज यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। अब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे आएंगे, यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ओके, तो मैं नेक्स्ट पेज पर आ चुका हूँ। यहाँ आपको दो चीजें नजर आ रही हैं, स्कीपेबल एड्स एंड नॉन स्कीपेबल एड्स। ये वो पॉइंट है जिससे हमें अर्निंग होने वाली है। ये देखें जो भी आपके लिंक पर व्यू आएगा वो आपकी एड जो आपके लिंक ओपन करने पे चलेगी उसे स्किप कर सकता है, यहाँ पर स्किप नहीं कर सकेगा। अगर तो आप ये वाला चूज करते हैं इससे क्या होगा, आपकी पोस्ट पर आपके लिंक पर व्यू ज्यादा आने वाले हैं। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप ये वाली ऑप्शन चूज करें। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए मेरे पास से लिंक प्रोड्यूस हो चुका है। ये देखिए मेरे पास शेयर योर लिंक, अब आप लिंक को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और यहाँ से आपने डन पे क्लिक कर देना है। लिंक कॉपी करके आपने शेयर कहाँ करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, और कौन से लोग आपके लिंक पे क्लिक करेंगे वो आपको समझ आ चुकी होगी। वो तमाम लोग जिन्हें ड्रामे में इंटरेस्ट है, जिन्हें न्यूज में इंटरेस्ट है, वो सारे के सारे लोग आपके लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के फौरन बाद उनको यही न्यूज देखने को मिलेगी जो आपने अभी लगाई है। आप पहले मैं आपको बताता हूं कि आपने इसे शेयर कैसे करना है। शेयर आपने ये नहीं करना कि अपनी फेसबुक पर व्हाट्सएप पर जाकर अवागोन आपने लगा देना है। आपने क्या करना है, आप दो चीजों को टारगेट कर सकते हो, फॉरेन कंट्रीज को भी और पाकिस्तान को भी। पाकिस्तान में रेट क्या होगा, पर व्यूज पाकिस्तान में रेट है $5 to $7, लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्री को सिलेक्ट करोगे तो वहां रेट up to $70 तक आपको मिलने वाला है। अगर हम पाकिस्तान को ही टारगेट करते हैं तो ये देखें जिस तरह आपको ये वाला पेज नजर आ रहा है बोल न्यूज का, इसी तरह आप ये न्यूज किसी भी चैनल से उठा सकते हो, बोल से, दुनिया से, जियो न्यूज से, जो भी आपको चैनल पसंद है आप डिफरेंट से भी उठा सकते हो। अब आपने क्या करना है, इसी तरह का अपना एक फेसबुक पेज बनाना है। फेसबुक पेज बनाकर आपने क्या करना है, इसी तरह की पोस्ट लगानी है, ये जो आपको मैंने दिखाई है इसी तरह की आप पोस्ट लगाएंगे। और उसके बाद ये जो लिंक आपको नजर आ रहा है ये लिंक आपने कौन सा लगाना है, आपने ये वाला लिंक लगाना है जो हमने शॉर्टन किया है। यहाँ से आपने इसे कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपने अपने पेज पर इस लिंक की जगह अपना लिंक लगाना है। जैसे ही कोई भी आकर आपके लिंक पर क्लिक करेगा डायरेक्ट ये लिंक क्या करेगा, उसे इस न्यूज पर ले जाएगा। इसी तरह की एक ऐड चलेगी और इस ऐड के जैसे YouTube पर आप कोई वीडियो लगाते हो, कोई पोस्ट लगाते हो, व्यूज आते हैं, वहाँ ऐड चलती हैं, एड्स के 55% आपको मिलते हैं, बाकी YouTube को मिलते हैं। सेम इसी तरह इस वेबसाइट पर भी जैसे ही आपकी लिंक पर क्लिक करके इस पोस्ट पर आएगा तो आपको आपका शेयर मिल जाएगा और वेबसाइट वालों को उनका शेयर ऐसे ही मिल जाएगा। ये देखें जिस तरह यहाँ पर एड शो हो रही है, इसी तरह ये परसेंटेज इनको भी मिलेगी और आपको भी मिलेगी। सेम यूट्यूब की तरह आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। अब आपने क्या करना है, आप इसी तरह के लिंक प्रोड्यूस करोगे और अपने फेसबुक पेजेस बनाओगे, उनको शेयर करोगे। एक और आपको ट्रिक देता चलूं, ये तो हमने पाकिस्तान को टारगेट कर लिया, आप इसी तरह आपने फॉरेन कंट्रीज के लिए भी पेजेस बना लेने हैं। वहां पर आपने इंग्लिश न्यूज लगानी है, आप फॉक्स न्यूज से उठा सकते हो, डॉन से उठा सकते हो, डिफरेंट मेरे पास चैनल से, डिफरेंट वेबसाइट से, डिफरेंट आपको पेजेस मिल जाएंगे, आप वहां से न्यूज उठाएं। सेम ऐसी तरह आप शॉर्ट करें, शॉर्ट करने के बाद आप उसे उन फेसबुक पेजेस पर लगाएं, उनसे भी क्लिक्स लें, यहां से भी क्लिक्स लें। और एक और चीज आपको ट्रिक बताता चलूं, आप ये काम जस्ट अपने लैपटॉप पर नहीं, आप डिफरेंट कंप्यूटर्स पर, डिफरेंट मोबाइल फोन पर आप अपना एक लिंक जनरेट कर लें, डिफरेंट लोग काम करेंगे तो आपकी अर्निंग और भी ज्यादा यहाँ से होने वाली है। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। अब आप यूट्यूब से भी वीडियो उठाकर इसके भी लिंक शॉर्टन करके लगा सकते हो, फेसबुक से भी उठा सकते हो, उसके भी लिंक्स आप शॉर्टन करके लगा सकते हो। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने डिफरेंट वीडियोस को भी कॉपी कर लेना है। ये देखें इस तरह के डिफरेंट आपने लिंक्स कॉपी कर लेने हैं, तस्वीरों के भी और वीडियोस के भी। डिफरेंट वीडियो सेव कर लें, उनका लिंक शॉर्ट कर लें। ये देखें ये एक वीडियो दी हुई है, इसका लिंक आप उठा लें, उसे शॉर्टन कर लें, वीडियोस भी लगाएं और इस तरह इमेजेस लगाकर वहां भी अपना लिंक लगाएं। जितने ज्यादा क्लिक्स आएंगे उतनी ही ज्यादा आपकी अर्निंग होने वाली है।
ओके, तो अब हमने लिंक भी जनरेट कर लिया और उसके बाद अब क्लिक्स भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमने यहाँ से विड्रॉ कैसे लेनी है। जैसे ही हमारी अर्निंग होती है, विड्रॉ हमें कहाँ मिलेगा? तो ये देखें, मेरे पास यहाँ पे आउट की ऑप्शन मिल रही है आपको, आपने इसे ओपन कर लेना है। तो ये देखें, रिक्वेस्ट पे आउट, यहाँ अमाउंट आप लिख सकते हैं। जैसे ही आपके $10 कंप्लीट हो, आप यहाँ से अर्निंग ले सकते हो। ऑटोमेटिक मंथली पेमेंट है, ये भी आप ऑप्शन ऑन कर सकते हो। और ये देखें, आपके पास से नीचे ऑप्शन मिल रही है यूअर पे आउट सेटिंग, आपने ये वाली सेटिंग कर लेनी है। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें, आप इंडिविजुअल हो, ठीक हो गया। आपने कॉन्टैक्ट नंबर, अपना फोन नंबर, अपने अकाउंट की सारी डिटेल आपने यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, अपने ATM कार्ड की डिटेल देनी है। तो डायरेक्ट जिस बैंक का भी आप एड्रेस देंगे, अकाउंट नंबर देंगे, उसी बैंक में आपको डायरेक्ट यहां से पेमेंट मिल जाया करेगी। ओके, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको फेसबुक पेज बनाना नहीं आता, उनका मसला भी मैं हल की देता हूं। तो ये देखें, आपने यूट्यूब पर आना है और यहां मेरे चैनल पर आएंगे तो आपको एक वीडियो मिल जाएगी। ये देखें, फेसबुक पेज कैसे बनाएं, हाउ टू क्रिएट फेसबुक पेज, ये वाली वीडियो आपने देख लेनी है। मोबाइल से आपको फेसबुक पेज बनाने का कंप्लीट मेथड इसमें बताया हुआ है। ये देखकर आपने फेसबुक पेज ओपन कर लेना है। अब एक तो हमने फेसबुक पेज को सिलेक्ट कर लिया, उसके अलावा आपने क्या करना है, आपने इसी तरह टिकटॉक, व्हाट्सएप चैनल, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर अपने लिंक को शेयर करना है। जितने ज़्यादा क्लिक्स आएंगे आपके लिंक पर, उतनी ही ज़्यादा आपको अर्निंग होगी। तो आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म चूज करने हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर लिंक लगाना है ताकि मल्टीपल क्लिक्स आए, मल्टीपल व्यूज आए और आपकी उतनी ही ज्यादा अर्निंग इंक्रीज हो सके। तो ये थी वेबसाइट, उम्मीद है आपको काम की भी समझ आ चुकी होगी। वीडियो को रिपीट कर करके देखें, स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखें, समझें, इंप्लीमेंट करें और आज ही से अर्निंग स्टार्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अर्निंग टॉपिक के साथ, एक नए अर्निंग ट्रिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन पर क्लिक कर दें और वीडियो को थम्स अप दे दें, नीचे अच्छा सा कॉमेंट लिख दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।